हेलो जी, कैसे हैं आप सभी जी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने 8वें ब्लॉग में जी। अभी हम आए हुए हैं यहाँ प्रिंट निकालने के लिए। मम्मी का एक डॉक्यूमेंट था, उसका प्रिंट निकालना था। थोड़ा दूर हटकर इसको शूट कर रहे हैं ताकि उन्हें ऑकवर्ड न लगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या शूटिंग चल रहा है जी। शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉगिंग की। कितना हुआ, 5 हुआ ना जी। हमने ले लिया ये प्रिंट। मम्मी का जो चिट्ठी हमेशा निकालने के लिए आना पड़ता है, सोचते हैं घर में एक तो प्रिंटर ही ले ले, बार बार भाग दौड़। ये मम्मी का जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पर आता है, फिर उसका हमको आना पड़ता है प्रिंट निकालने के लिए। प्रिंट निकाल के फिर मम्मी उसको सिग्नेचर करेगी, फिर व्हाट्सएप करेगी, ये सब चक्कर पड़ता रहता है। मम्मी को घर में भी आकर चैन नहीं, मम्मी जब आती है घर पर तो हमको भी कोई चैन नहीं। तो जी अब चलते हैं घर। A few moments later. ये लो चाय। चाय आ गया और वीडियो भी हो गया शेड्यूल। चाय अच्छा है, नींबू का चाय जी। नींबू का चाय हमें अच्छा लगता है, दूध का पीते हैं नहीं। शिमला व्लॉग का जो पार्ट 2 है, अभी अभी हमने शेड्यूल कर दिया है और अभी टाइम हो रहे हैं 4:34, 9 बजे के करीब यहाँ पब्लिश हो जाएगा। और जब तक जो अभी वीडियो शूट कर रहे हैं ये जब तक आएगा तब तक तो यहाँ वीडियो पब्लिश हो चुका होगा। तो अभी तक तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा इस वीडियो को। तो बताइए जी कैसा लगा पार्ट 2। अब आगे अपना कुछ काम बचा हुआ है, कुछ काम निपटा लेते हैं फिर आगे की व्लॉग शूट करते हैं। आज जो है जिया को भी डांट लगी है डैडी से। डांट नहीं लगा। डांट नहीं, क्या और क्या लगा? डांट लगे तो क्या, डांट लगेगी नहीं, पापा से आ जाएगा, गलती करेगी डांट ना। क्या यहाँ जो लेबर है, यहाँ जो काम करते हैं, तो सभी का अलग अलग डिमांड है। तो कोई कहता हम नींबू का चाय पियेंगे, कोई कहता हम दूध का चाय पियेंगे। तो जिया बनाई थी नींबू का चाय, पाव से ही उन लोगों की हरकत से थोड़ा परेशान थे तो थोड़ा गुस्से में थे। और ये पूछ ली कि वो नींबू का चाय दे दी उनको, तो पापा गुस्सा करते कितनी बार कहे तुमको हम कि वो नींबू का चाय नहीं पीता है। स्वागत है आपका। और यहाँ देखिए जनाब इंस्टाग्राम लाइव में, उधर वो यूट्यूब के ब्लॉग की शूट कर रही है और वहाँ डैडी के गेस्ट आए हुए हैं। डैडी बोल रहे हैं तंदूरी चाय बना के पिलाओ। वाह बढ़िया है, ठीक है। तो मैं चली तंदूरी चाय बनाने। उसका गाल खींच लेते हैं। अभी बहुत छोटी है, गाल खींच नहीं करते आप। ओके जी बाय। बहुत प्यारी हैं। A few moments later. जी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम दोनों यहाँ बैठ के सामने लैपटॉप पर क्या देख रहे हैं। तो जी बात ये है, जिया ने कहा था कि आपकी जो बचपन की कुछ फोटो है वो हमें दिखाइए। हाँ जी, सारी बचपन की फोटो अभी भी रखी हुई है, कुछ कुछ फोटो जो पुराने एल्बम में है। तो हमने कहा कि चलो दिखा देते हैं। तो जिया को दिखाने के साथ साथ सोचा कि चलिए आपको भी दिखा देते हैं, जो भी हमारी बचपन की यादें हैं आप लोगों के साथ भी सोचिए शेयर कर लेते हैं। तो जिया भी देखेगी, आप लोग भी देखिए और बताइए जी कैसा लगा, और मजे लीजिए जैसे हम मजे लेंगे। तो ये फोटो देखो सबसे पहले, क्यूट लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं ना, एकदम पूरा काजल काजल। ये बेइज्जती है या क्या है, तारीफ है? तारीफ है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। भालू हैं हम? नहीं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, और दूसरे दिखाओ। दूसरा ये देखो, इसमें तो और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो आप। बहुत बढ़िया, हर चीज में बेइज्जती। इसमें तो भालू लग रहे हो। इसमें कपड़ा भी सही पहने हुए। हाँ वो तो है ही, दिख भी नहीं रहे। ये कौन है? ये है मेरा ममेरा भाई है, मानस। ममेरा नहीं, फुफेरा भाई है ये, नमिता फुआ का बेटा। क्यूट लग रहे हो आप, पूछो मतलब भालू भालू से। बहुत बढ़िया, छुटकू छुटकू से। और उसके बाद ये जो है ये छठ के टाइम का फोटो है। ये कहाँ का फोटो है? तो मेरा नानी गांव है ना सहरसा में, ब्राह्मण टोली, वहाँ पर पोखर है, पोखर में छठ हो रहा था। बहुत क्यूट लग रहे हो। ये नानी सूप उठाई हुई है और ये मामा जी हमको गोद में उठा करके रखे हैं। और फिर उसके बाद जो है ये है मामा जी की बेटी और ये है हम। हमेशा रोते रहते थे ना, वाह रोने वाला फोटो देख ली तो रोते रहते थे। उसके बाद ये भी वही बर्थडे का फोटो है जो पहले दिखाए थे। ये देखो, ये लग रहा है वहाँ का गांव का पिक है ना। हाँ सिसवा गांव का है मेरा, एक जैसे कपड़ा पहने हुए। मेरा ये दादी गांव है, दादी गांव में ये पूजा घर है हमारा। तो पूजा घर में हम लोग का नहीं कहते, गोसाई हम लोग का यही है। उस टाइम मेरा मुंडन चल रहा था, उसी समय का ये फोटो है। दोनों प्रणाम कर रहे हैं, एक जैसे लग रहे हो। ज्यादा क्यूट लग रहा है मेरा देवर। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है उसी जगह का एक और फोटो ये भी है, इसमें हम ये डैडी है और ये दीदी है, प्रणाम करवा रही है। उसके बाद ये सारे गांव वाले जो है वो अक्षत नहीं फेंकते हैं ऊपर से। और ये देखो सोनू मोनू दोनों। हाँ, मेरी माँ है ये,
और ये जो है ना हमारे घर के आगे का दरवाजा है, हाँ। वहीं का सारा फोटो है ये। ये तो था मेरे गांव में जो मुंडन हुआ था सबसे पहले एक बार, उसके बाद और दिखाते हैं तो पहले एक बार, और यहाँ के बाद जो हम लोग का मुंडन हुआ था देवघर में हुआ था, देवघर का फोटो दिखाते हैं। ये देखो, ये है देवघर का फोटो, ये जो दिख रहा है ना छोटा सा, ये क्यूट लग रही है। ये हम नहीं है, मोनू है। और ये जो है किशन भैया है, ये मना मोसी का। तो आप भी समझते हो कि आप क्यूट नहीं लगते थे बचपन। बहुत बढ़िया। इसलिए बोले ये हम नहीं है। अब तुम गलत आदमी को बोल रही है, असल में वो हम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे। बात जो सही है। ये देखो, ये हम है, इसमें बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये जो है किशन भैया है। ऐसे क्या है कि आप जैसे जैसे बड़े होते गए ना, लगता है कि आप थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे लग रहे। अभी थोड़े से अच्छे लगे। और आप देखो। और ये है देखो, बाबा धाम में जब हम लोग का मुंडन हो गया था, फिर नया कपड़ा भी हुआ था वहाँ। अच्छा। तो तुम टकली हुई थी क्या? नहीं। अच्छा, बाल खाली थोड़ा सा काट दिया था। नहीं था। टकली कैसी लग रही होगी, टकली होती तो? जैसे आप लग रही हो। अरे लड़का सब तो होता है, लड़की सब जब टकली होगी तो कैसी लगती होगी? हुए ही नहीं थे ना। उसके बाद जो है ये है देखो, जब कपड़ा अपना पहने थे नया, खूब खुश थे नया कपड़ा एकदम पहन के उस टाइम। बचपन की खुशी होती है नया कपड़ा पहन। और ये कपड़ा हमको लग रहा है इतना दिन तक गीजे हैं, हम उतारते ही नहीं थे कि ये कपड़ा, हम कहते थे यही कपड़ा पहनेंगे हम। फिर इसके बाद जो है ये तो था मुंडन का, अब दिखाते हैं उसका फोटो जब हम लोग पहुँच गए थे। जब हम लोग पहुँच गए थे उस टाइम थे शायद, हमको लगता है 4 या 5 में थे तब। हाँ। उस टाइम का फोटो है, ये मोनू का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसमें कितने लग रहे हो सहता। और चश्मा लगा, और ये जो चश्मा है ना, ये चश्मा जानिए जी जबरदस्ती खरीदवाए थे, ये कोई पावर का चश्मा नहीं है, भले अभी पावर का लग गया है, 10वीं क्लास में लग गया था ये पावर का चश्मा। भगवान ने भी सोचा कि बचपन से लगा रहे थे, चलो अब लगवा देते। तो ये जिद करके घर में इतना तमाशा किए थे हम दोनों भाई मिल के, तब ये चश्मा खरीदवाए थे। शैतान दिख रहे हो आप इस पिक में ऐसे करके। और ये बगल में दीदी है, ये डैडी। उसके बाद ये वही बर्थडे का फोटो है। वाह, शैतान दिख रहे हो, सच में लग रहा है कि ये तो ऐसे क्यूट दिख रहे हो बहुत ज्यादा। उसके बाद यहाँ सर जी पढ़ा रहे हैं आपके, मास्टर जी, और इधर फोटो क्लिक करवा रहे। बिल्कुल, नैन्सी दीदी के पास उस टाइम कैमरा था, शायद कोटेक का कैमरा था, तो कोटेक का कैमरा से ये सारा फोटो ली थी। वही एक में मेरी नैन्सी दीदी है जी, वो इंटर का एग्ज़ाम देने आई थी यहाँ पर, उनके पास कोटेक का कैमरा था, तो कोटेक के कैमरा से वो एक महीने में जितना फ़ोटो खींच सकती थी, बहुत फ़ोटो खींची, तो वही सब फ़ोटो आपको दिखा रही जो अपने कैमरे से खींची थी। तो ये एक मास्टर जी हैं जो हम लोग को पढ़ाते थे, और हम लोग देखे जी उस टाइम घर में प्लास्टर सब नहीं हुआ था। ये जो रूम है ना, जिस रूम में अभी बैठे हैं, ये वही रूम है, इस रूम में पहले प्लास्टर नहीं हुआ था। अब देखिए अलग हुलिया दिख रहा होगा रूम का, उस टाइम ऐसा रूम था। और पढ़ाई कर रहे एकदम मन से। हाँ, और मफलर और स्वेटर जो है उस टाइम बुना हुआ ही पहनते थे, मम्मी बुन के दे देती थी और वही हम लोग मफलर और स्वेटर पहनते थे। और उसके बाद ये पढ़ाई कर रहे या पोज दे रहे हो आप लोग? ये पढ़ाई का ही नहीं, सिर्फ पोज देने के लिए ये फोटो है। वाह, उस टाइम भी पोज होता था। उस टाइम था कि बस नैन्सी दीदी के हाथ में कैमरा है, जितना फोटो ले सकते हैं हम लोग ले लें, उस टाइम यही मकसद था। और इससे सच में बहुत ये जब हम स्कूल से आए थे तो उस टाइम नैन्सी दीदी खींची थी कि चलो तुम्हारा स्कूल ड्रेस में ले लेते हैं। तो यही है मेरी नैन्सी दीदी जी, जो इंटर में एग्जाम देने आई थी, इन्हीं का कैमरा था वो कोटेक का। अच्छी है दीदी। तो फिर इसके बाद जो है ये जो अगला फोटो, दोनों शैतान, आप तो समझ ही गए होंगे इनकी बात कर रही हूँ मैं। और उस टाइम चश्मा तो लग रहा है क्यों खरीद लिए थे, बिना मतलब के चश्मा लगा लिए थे, कैसा लग रहा है, क्यूट लग रहे हो। भाग मास्टर जी के सामने देखिए मेरा छोटा भाई को पोज दे रहा। ये मास्टर जी जो थे ना, ये जो सर थे, बहुत सीधे थे, ज्यादा गुदानते थे कि नहीं? गुदानते नहीं थे ज्यादा, हम तो नहीं गुदानते थे। और सोचो ये सर इतने सीधे, हम इतने बदमाश थे कि हम इन सर को भी गुस्सा दिला दिए थे, ये सर भी हमको मारने उठ गए थे। ये सर से बर्दाश्त नहीं हुआ, अंत में उठे एकदम दिए, एक मैं कहते एक थप्पड़ खींच के गाल में दिए थे उस दिन। भी एकदम आश्चर्य हो गए थे कि ये कैसे मार दिए, तो मारते नहीं है। उसके बाद से हम शैतानी नहीं की इनके सामने। और ये बैट बॉल खेल रहे, बैट बॉल खेल रहे, ये अभी ये पोज ही है असल में। तो ये जो खाली स्पेस था यहाँ पर, ये जो रूम है, इस रूम के सामने भी एक रूम है, और इन दोनों रूम के सामने खाली प्लॉट था पूरा, तो वही ये खाली जगह है,
इसी खाली जगह में हम लोग खूब क्रिकेट खेलते थे। हम लोग सुबह जाते थे, 6 बजे स्कूल जाते थे और 6 बजे से लगभग 12 बजे तक स्कूल चलता था हम लोग का, और स्कूल से हम लोग लौट आते थे लगभग 12:30 बजे तक घर पहुंच जाते थे। उसके बाद जो यहाँ क्रिकेट खेलते थे पूछिए मत, तो वो लगा हुआ था और वो खेल खेल कर हम लोग एकदम तोड़ दिए थे। पूरा भारी प्लास्टिक बॉल था, कितना सा था आखिर वजन, कितने थे आप लोग समझ सकते हैं? खाली स्पेस देख रही है और वहाँ जो देख रही है ये सीमेंटेड यही था पीछे पोल, और हम ये जी मेरे नाना जी है और पीछे हम है और मनु यहाँ चाय पी के पोज दे रहे हैं और वहाँ दीदी भी पोज दे रही है पीछे। और उसके बाद ये देखिए जी, ये जो जाफरी लगा हुआ था, जाफरी का हाल देख रहे हैं क्या किए थे हम लोग, तोड़ तोड़ के पूरा एकदम। क्या होता था कि जैसे ही हमसे बॉल बीट होता था तो सीधे लगता था जाफरी में एकदम भारी प्लास्टिक बॉल से कभी कभी हम लोग के हाथ में चोट भी लगा है। हम ज़्यादातर बैटिंग करते थे, हम दोनों साइड से बैटिंग कर लेते थे, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से। और मेरा भाई जो है दोनों साइड से बॉलिंग करता था, दोनों हाथ से बॉलिंग करता था, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी। और साथ में क्या करता था मेरा भाई, बॉलिंग करते करते कमेंट्री भी करता था कि, और हम लोग एक टीम बना लेते थे, एकदम इमेजिनेशन पर सारा खेल चलता था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो एक बाकायदा हम लोग का कॉपी में स्कोर बोर्ड भी था और रखे थे। मेरा भाई जैसे जहीर खान का टाइम आया बॉलिंग करने का, तो मेरा भाई लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करता था और जैसे बैटिंग कर रहे हैं रिकी पोंटिंग, तो हम रिकी पोंटिंग बन के बैटिंग कर रहे हैं। तो इमेजिनेशन था कि यहाँ मारे तो 1 रन मिलेगा, यहाँ मारे तो 2 रन मिलेगा, ऐसे ऐसे करके हम लोग मैच करवाते थे, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ना जाने कितना कितना। और पूरा मोहल्ला वाला जो, मेरा भाई इंग्लिश में कमेंट्री करता था और यहाँ तो इंग्लिश बहुत बड़ी बात थी, पूरे मोहल्ले वाले नहीं कहते हैं छत पर जमा हो जाते थे हम लोगों का कमेंट्री सुनने के लिए, हम लोग का मैच देखने के लिए। तो वो माहौल था उस समय। और यहाँ आप क्या कर रहे हो, दतमन कर रहे हो? यहाँ दतमन कर रहे हैं जी, हाँ सुबह सुबह हम लोग उठ के दतमन करते थे। और ये जो टाइम है ना, ये टाइम है सुबह का 4:30 या 5 बजे का है, समूचा परिवार उस टाइम उठ जाते थे और पापा हम दोनों को पढ़ने बैठा देते थे। और ये देखिए जी, फिर जब वो टट्टी मतलब पूरा कबारा हो गया, बिल्कुल एकदम खत्म हो गया, कंडीशन में नहीं रहा, तब यह दीवार बनना शुरू हुआ। और दीवार के पास भी देखिए हम लोग दे रहे हैं अपना पोज। तो कम नहीं थी, अभी भी नहीं, अभी तो ज्यादा ही मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये देखिए, ये चारों ये दोनों भाई है, सैंकी और मन्नो, ये दोनों भी क्रिकेट खेलने आता था और हम दोनों भी खेलते थे, तो चारों मिल के हम लोग भी खेलते थे। देख रही बगल में टट्टी सब का क्या हाल है। इसमें अपराजिता फूल भी उगता था, बगल में पपीता का पेड़ सब था। माँ बताई थी बहुत खूब पपीता खाते थे हम लोग। लेकिन और ये जो देख रही है बत्ती, ये हम लोग का विकेट था और इस विकेट में हम लोग पेप्सी का टेप चिपका दिए थे। और ये देखिए, ये हम लोगों का है जब स्कूल से आए थे उसी टाइम, ये मोनिका दी है, नैन्सी दीदी की दोस्त थी वो, तो हम लोग खींचे थे। मेरा भाई को तो देखिए क्या हीरो बन रहा है, एकदम चश्मा लगा के, माथा में रुमाल बांध के। और उस टाइम देखो मेरा शरीर कितना दुबला था, वैसे अभी भी लगता है वैसा ही शरीर, कोई फर्क नहीं लग रहा है। तो जी यही थी हमारी बचपन की कुछ यादें, ये फोटो तो ढेर सारी हैं लेकिन सारी फोटो तो दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए और आप लोग भी पक जाए। छोटी सी अपनी यादें हैं, तो अपना बचपन का एक झलक था। जिया भी आज पहली बार ये सब फोटो देखी है और आप लोग भी आज देख लिए, तो जी बताइए कैसा लगा यह वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कुछ आपसे यादें शेयर करें, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं हम आपसे क्या शेयर करें, चाहे शादी की फोटो हो, चाहे हमारे कॉलेज का हो, या कोई भी चीज आप बता देना कमेंट करके, तो हम जरूर शेयर करेंगे। और अगर आपकी भी कुछ यादें हैं तो आप भी शेयर करिए जी। आप क्या करिए, इंस्टाग्राम आईडी है जिया सासवत राय, आप अपनी स्टोरी पर वो फोटो डालिए और हमें टैग कर दीजिए, तो जैसे ही आप टैग करेंगे हमें नोटिफिकेशन आएगा आपके जो स्टोरी को है, उस स्टोरी को हम शेयर कर देंगे अपने स्टोरी पर। तो जी इस व्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।